तो कैसे हो? ऑलमोस्ट एक महीने बाद क्लास हो रही है। हाँ सर, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत इम्प्रूव कर लिया। हाँ जी, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर लिया आपने अपना, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर लिया, थोड़ा फर्क लग रहा है लाइट वाइट में। लाइट में सर भी सर, क्या सिक्योरिटी भी बढ़ा लिया आपने तो काफी। सिक्योरिटी भी बढ़ा ली बेटा? हाँ, सिक्योरिटी भी बढ़ा ली, प्रीमियम वर्जन ले लिया इसका। हाँ ओ सर, चलो, ओके बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। आज जो हमारा चैप्टर है, मैंने कहा देखो बच्चों, आपके एग्जाम्स का तो कुछ पता नहीं कि कब आएगी कब नहीं, लेकिन हमें अपना टॉपिक तो खत्म करना ही है, तो हमारा लेबर चैप्टर हमारा बचा हुआ है, हम वो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे को ये बताइए कि आप में से कितने बच्चों ने इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड कर लिया या शुरू कर दिया, कुछ भी कर कर लिया सर। लिया? दोनों चैप्टर इजी लगे हैं? कोई डाउट तो नहीं है किसी को इंटीग्रेटेड नॉन सब इंटीग्रेटेड में? 24 एंट्रीज ही तो है उसमें बेसिकली। मुझे कौन सा? एक में 20, थोड़ा सा तेज बोलो। हाँ जी, कौन सा? मैं कह रहा हूँ उसमें 24 एंट्रीज ही तो है बस। हाँ, बस कुछ मतलब है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। उसमें भी एंट्रीज रिपीटेटिव कर दी नेचर है आपको, एंट्रीज और की अगर तो। आप थोड़ा समझ के करोगे तो एंट्रीज भी जो आप नॉर्मली फाइनेंशियल में करते हो वही होती है, बस उसके नाम बदल देते हैं थोड़े थोड़े से। अकाउंटिंग तो अगर लाइक किसी को कोई भी डाउट आता है, हालांकि सबसे इजी चैप्टर है और बहुत कम चांस है उसका आने के, लेकिन अगर तो उसके बाद भी आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप वगैरह लिख दीजिएगा, मैं उसकी एक आध क्लास ले लूँ। ठीक है बच्चों, सर, एक भरत हाँ से एंट्री तो पूछ लो पहले बेटा। भरत, तेरे पूछ बाल आ गए नहीं आ रहे? लो हाँ, जो एक तूने अपने घर पे स्पेशल हेयर कट किया था वो सही हो गया? एंट्री। वो तो सर एक हफ्ते में सही हो गया था। अच्छा, तो बढ़िया। वैसे क्या यार, कुछ क्या है कि आपके एग्जाम्स का कुछ पता चला कि कैसे होएगी एग्जाम्स? नहीं हो रहे सर, नहीं हो रहे। होएगी? नहीं तो नहीं हो सकता यार, होएगी तो यही ऐसे ढूंढना होगा कि होएगी। नहीं सर, हाँ, इंटरनल आगे इंटरनल के आने वाले बेसिस पे मार्क्स सेमेस्टर्स दे में देंगे। होएंगे, होएंगे तो भी यार, होने तो एक ना पे आगे वाले सेमेस्टर में होएंगे। चलो कोई नहीं, अब हम जो बात चैप्टर करने जा रहे हैं इसका नाम है लेबर। बताओ। बच्चों अरे सर बोलो। नहीं हुए तो फीस वापस हो जाएगी ना। हाँ बिल्कुल, एफएम में एडजस्ट कर लेगा ना, चिंता क्यों कर रहे हो? ठीक है, चलो आगे अगले सेमेस्टर की तो नहीं ना फिर। हाँ वो देख लेंगे यार, कोई चिंता मत करो। तो अब हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है लेबर। बेटा क्लियर दिख रहा है बोर्ड? यस सर। लेबर में मैं पहले आपको बता दूं कि ये चैप्टर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जितने हमने अभी तक चैप्टर्स किए हैं उसमें थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ ये मतलब नहीं है कि इसका क्वेश्चन ही नहीं आएगा, क्वेश्चन जरूर आ सकता है, लेकिन हाँ इसको आप लास्ट में ही करना, पहले और सारे चैप्टर्स को अपना रिवाइज कर। तो लेबर में हम बात करेंगे डायरेक्ट लेबर की, इसमें हमें फोर टॉपिक्स कवर करने हैं, तो आइए थोड़ा सा उसके बारे में लिखते हैं और आज कोशिश करेंगे उसमें से एक या दो टॉपिक्स को खत्म करने की। तो बस आइए थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन लिखिए, चैप्टर का नाम दीजिए लेबर। लिखना शुरू करिए। अंडर दिस चैप्टर वी विल स्टडी अंडर दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द अकाउंटिंग अंडर दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द अकाउंटिंग फॉर डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। The following four topics are to be covered. The following four topics are to be covered. Namely, पहला नंबर डालिए, वन नंबर, ट्रीटमेंट ऑफ आइडियल टाइम। ट्रीटमेंट ऑफ आइडियल टाइम। सेकेंड नंबर, ट्रीटमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर। ट्रीटमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर। थर्ड, ट्रीटमेंट ऑफ इंसेंटिव प्लान्स। ट्रीटमेंट ऑफ इंसेंटिव प्लान्स। फोर्थ, अकाउंटिंग फॉर लेबर। अकाउंटिंग फॉर लेबर।
बच्चों इसमें सेकंड और थर्ड, जो सेकंड और थर्ड है उसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड और थर्ड। उसके बाद आप फर्स्ट हेडिंग दीजिए, सब हेडिंग दीजिए ट्रीटमेंट ऑफ आइडियल टाइम, ट्रीटमेंट ऑफ आइडियल टाइम। अभी कुछ मत लिखना, मैं डिक्टेट करूंगा, पहले सिर्फ समझना है आपको। तो बच्चों आइडियल टाइम जो आता है हमें पता ही है, आइडियल टाइम का मतलब होता है कि लेबर ऑफिस तो आया, फैक्ट्री में तो आया, लेकिन वो उसने कुछ प्रोडक्टिवली काम नहीं किया, मतलब उसने वो उसने अपना टाइम तो स्पेंड किया बट उसको कुछ प्रोडक्टिव आवर्स में कुछ काम नहीं किया। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, कॉस्ट बुक्स में याद देखेंगे एक बार। हम तीन तरीके के आइडियल टाइम को कंसिडर करेंगे, जिसमें दो नॉर्मल माने जाते हैं, पहले एक एक नॉर्मल, एक एबनॉर्मल, और नॉर्मल की दो कैटेगरीज होती है। तो बेसिकली तीन तरीके के आइडियल टाइम हो गए, एक दो एंड तीन। पहले बात करते हैं ऐसे ऐसे आइडियल टाइम की जो कि नॉर्मल है, भी मत लिखना, बट कंट्रोलेबल है, नॉर्मल बट कंट्रोलेबल। जैसे कि क्या हो गया कि माइनर मशीन, माइनर ब्रेकडाउन हो गया, मशीन में चलते चलते कोई दिक्कत आ गई, माइनर ब्रेकडाउन, सामान थोड़ा सा आने में थोड़ा टाइम लग गया, एक्सेट्रा। तो नॉर्मल बट कंट्रोलेबल, अगर हम थोड़ी अच्छी प्लानिंग करते, अगर हम थोड़े अच्छे से काम को करेंगे तो हमारा ये जो आइडियल टाइम है हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो नॉर्मल बट कंट्रोल। सेकंड जो हमारा आइडियल टाइम होता है उसको हम मानते हैं नॉर्मल बट अनकंट्रोलेबल। जैसे कि टी ब्रेक्स, लंच ब्रेक, एक्सेट्रा, जो मतलब आपको कुछ तो अपने एम्प्लॉइज को, कुछ अपने लेबर को कुछ तरीके की ब्रेक्स तो देनी पड़ेगी, नॉर्मल बट अनकंट्रोलेबल। तो ये हमारे दो हो गए। अब आइए एबनॉर्मल हमेशा क्या होता है, एबनॉर्मल इज ऑलवेज अनकंट्रोल। जैसे कि कोई आग लग गई फैक्ट्री में, या आप मान लीजिए कि कोई मशीनरी का मेजर ब्रेकडाउन हो गया, एक्सेट्रा। तो एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोलेबल। तो जो हमारा एबनॉर्मल आइडियल टाइम होता है उसको तो हम कॉस्टिंग पीएनएल में डाल देते हैं। तो जो इस टाइम की जो हम वेजेस पे करते हैं इसको हम कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में डाल देते हैं, एक एक्सपेंस मान। ठीक है जी, दिख रहा है? जो हमारा नॉर्मल बट कंट्रोलेबल होता है उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड्स मान देते हैं। अभी लिखना मत, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड्स मान लेते हैं, ये भी डेबिट ही होता है पीएनएल में, फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हमारा कॉलम होता है इसमें। और जो हमारा नॉर्मल और अनकंट्रोलेबल होता है इससे हम अपनी वेज रेट को इन्फ्लेट करते हैं, वेज रेट को इन्फ्लेट करते हैं। ये क्या मतलब हुआ सर, एक बार बताइए। जैसे कि मान लीजिए एक लेबर ने 8 घंटे काम किया है, एक वर्कर ने, और उसका वेज रेट है ₹3 पर आवर, लेकिन प्रोडक्टिवली उसने 7.5 घंटे काम किया, आधा घंटा उसने कुछ काम नहीं किया। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं को इस रेट को इन्फ्लेट करना है तो मैं क्या कर दूंगा, 8 × 3/7.5। तो मेरा जो रेट बन जाएगा, मेरा रेट बन जाएगा ₹3.2 पर आवर। ये बात समझ में आई? तो ये हमने क्या किया, हमने अपने जो हमारा वेज रेट है हमने उसको इन्फ्लेट कर दिया, और अब हमारा जो हम अपने काम पे जो कॉस्ट डालेंगे वो 3.2 से डालेंगे, ना कि 3 से डालेंगे। बच्चों समझ में आई बात सारी? हाँ जी बच्चों, ये बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. चलिए अब आपको मैं पहले लिखवा रहा हूँ, फिर इसका एक क्वेश्चन करेंगे, एंड देन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है हमारा लेबर टर्नओवर, उस पर चलेंगे। तो जल्दी से आइए, लिख पर लिखते हैं आइडियल टाइम के बारे में। ओके आइए लिखना शुरू करिएगा। In a factory where workers are paid on the time basis, in a factory where workers are paid on time basis, there is usually a difference between the time
between the time for which the workers are paid and the time actually spent on them, spent by them on production, and the time actually spent by them on production. The loss of time for which the employer pays but obtains, the loss of time for which the employer pays but obtains no direct benefit is known as ideal time. The loss of time for which the employer pays but obtains no direct benefit is known as ideal time. बेटा इसकी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, आपको बुक से याद करनी है, मैं अभी तो नहीं लिखवा रहा, मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ, आपको इसकी थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक से मार्क कर, बुक से याद कर। अब देखिए एम्प्लॉयर पे इज नोन एज आइडियल टाइम, ऑब्टेन के बाद क्या बोला आपने, फॉर विच नो डायरेक्ट बेनिफिट इज ऑब्टेन्ड इज नोन एज आइडियल टाइम। अब देखिए ट्रीटमेंट ऑफ आइडियल टाइम कॉस्ट, ट्रीटमेंट ऑफ आइडियल टाइम कॉस्ट, देखिए आइडियल टाइम कॉस्ट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू थ्री कैटेगरीज, आइडियल टाइम कॉस्ट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू थ्री कैटेगरीज डिपेंडिंग, आइडियल टाइम कॉस्ट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू थ्री कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द कॉजेस व्हिच हैव गिवन राइज टू सच कॉस्ट्स, डिपेंडिंग अपॉन द कॉजेस which have given rise to such cost. Pehla likhiye, first likhiye normal and controllable ideal time. Likhna shuru kariye iske bare mein. Such ideal time is cost due to, such ideal time is cost due to minor machine breakdown, comma, waiting for tools, etc. अब इसके नीचे एरो बना के लिखिए, such idle time cost should be charged as factory overheads. Such idle time cost should be charged as factory overheads. Such idle time cost should be charged as factory overheads. Second likhiya, normal but uncontrollable ideal time. Such idle time is cost due to time lost in tool settings, shifting from one job to another, comma, tea breaks, personal needs, etc. अब एक एरो बना के लिखिए, such costs may be charged to jobs by inflating the wage rate. For example, if the time card shows 8 hours, while the job card shows only 7.5 hours, and the hourly rate is rupees 3 per hour,
and the hourly rate is rupees 3 per hour, comma, the job concerned may be charged at an increased rate. The job concerned may be charged at an increased rate. ये लिखिए. 8 into 3 divided by 7.5 is equal to rupees 3.2 per hour. ठीक है बच्चों, अब थर्ड कैटेगरी लिखिए, एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोलेबल आइडल टाइम. एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोलेबल आइडल टाइम सर, एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर दो. हां जी, क्या क्या, एक एक करके क्या लास्ट टाइम रिपीट कर दो, लास्ट लाइन रिपीट कर दो. कौन सी इस, अच्छा चलिए मैं बोल, एग्जांपल वाली. If the time card shows 8 hours while the job card shows only 7.5 hours and the hourly rate is rupees 3, the job concerned can be charged at an increased rate. ये ठीक है, ओके. अब थर्ड लिखिए, एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोलेबल आइडल टाइम. एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोलेबल आइडल टाइम such idle time is caused due to, such idle time is caused due to administrative causes, such idle time is caused due to administrative causes or major machine breakdowns, comma, major machines breakdowns, comma, flood, strikes, etc. sir ek baar dobara bolne wala. Okay, such idle time is caused due to, such idle time is caused due to administrative causes or major machine breakdowns or major machine breakdowns, comma, floods, strikes, etc. एक एरो बनाकर लिखिए, such idle time cost should be charged to costing P&L account. Such idle time cost should be charged to costing P&L account. चलिए बच्चों, एक बार आइए बुक पे, आइए इलस्ट्रेशन नंबर 3.1 पे. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. इनफैक्ट ये बोलना गलत नहीं होगा कि अकाउंट कोई कॉन्सेप्ट कॉस्टिंग की नहीं लग रहे, नॉर्मल मैथ्स है इस क्वेश्चन की, कुछ भी नहीं है. जल्दी से आइए, जिसको आता है वो खुद करना शुरू करिए. मैं एक बार रीड कराऊं शुभम के लिए. अ वर्कर इज पेड 50 पैसा पर आवर एंड द 5 डेज वर्किंग वीक कंसिस्ट ऑफ 42 आवर्स. द डेली अलाउंस फॉर अप्रूव्ड एब्सेंस फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ वर्क, maintenance of machine is 12 minutes and his job card shows that his time chargeable to chargeable during the week to various job is as follows. Job number 305, 20 hours, 310, 10 hours, 328 hours. The unaccounted time is caused by a power failure. Show how his wages will be recorded in the books of accounts. देखो बच्चों, total जो हमारा है वो है 42 आवर्स, उसको हम पेमेंट दे रहे हैं 42 आवर्स की. तो सबसे पहले तो हमारी पेमेंट ऑफ वेजेस क्या हो गई, 42 इनटू 5 कितना हो गया, 21. जो हमारी पेमेंट ऑफ वेजेस है 42 आवर्स की, हमने उसको दी है 0.5 रुपीस पर आवर के हिसाब से, तो ये तो हो गई रुपीस 21. यहाँ तक बात समझ में आ गई. अब हमें देखना है कि इस 21 जो हमारी पेमेंट हुई है 42 आवर्स की, वो कितनी कितनी हम किस जॉब से लेंगे. जैसे मान लो मैंने एक फोटोस्टेट की मशीन लगा रखी और उस पर एक छोटू को रखा हुआ है. अब वो छोटू ने हफ्ते में 42 घंटे काम किए, उसने रिकॉर्ड किया कि मैं 42 घंटे आया, तो मैंने उसको 21 रुपए की पेमेंट करी. अब मुझे देखना है कि मैंने आप लोगों ने मेरे से फोटोस्टेट कराई है, तो मुझे देखना है कि भाई अनीश से मैं कितने उसकी उस छोटू की कितनी कॉस्ट रिकवर करूं,
भरत से कितनी करूं, सार्थक से कितनी करूं। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि भाई उसने अलग अलग कितना कितना काम कहाँ कहाँ किया। तो सबसे पहले मैंने देखा कि जॉब नंबर 305 जो है उस पे वो चला 20 घंटे, जॉब नंबर 310 जो है उस पे वो चला 10 घंटे, और जो जॉब नंबर 320 है उस पे वो चला 8 घंटे। और उसने ब्रेक्स लेता है, मतलब आप छोटू है तो ज्यादा थोड़ी देर एक फोटो स्टेट करने के बाद ज्यादा बीडी भी तो पूछने जाएगा, निष्ठा समझ पा रही होगी। तो इस पे जो उसका नॉर्मल बट अनकंट्रोलेबल वो टाइम हो गया, वो कितना हो गया, 12 मिनट लेता है रोज के, तो 12 × 5 कितना हो गया, 60 मिनट, क्योंकि 5 डेज का वीक है। 12 × 5 कितना हो गया, 60 मिनट्स, मतलब 1 घंटा। तो अब एक बात बताइए मुझे, टोटल कितने आवर्स हो गए, 20 + 10 30 + 8 38 + 1 39, लेकिन मेरे तो टोटल आवर्स कितने हैं, 42। इसका मतलब 3 घंटे क्या रहे एब्नॉर्मल। बच्चों पहले ये बताओ, ये वर्किंग समझ में आई आप लोगों को? अरे 12 मिनट क्या था, कौन सा 12 मिनट क्या था सर? हाँ। 12 मिनट ना उसका डेली अलाउंस है फॉर टी ब्रेक एक्सेट्रा। अच्छा बच्चों सबको बताइए ये वर्किंग समझ में आई सबको? यस सर। अब आप देखिए जो जो कॉस्ट है, तो 20 घंटे की कॉस्ट 20 × 0.5 इसमें एलोकेट हो जाएगी, 10 × 0.5 इसमें एलोकेट हो जाएगी, ये तो जॉब्स पे चली जाएगी। इसको हम अभी कुछ नहीं कह रहे क्योंकि इसको छोड़ दीजिए, एबनॉर्मल वाले को हम क्या करेंगे, कॉस्टिंग पीरियड। आई बच्चों ये बात समझ में? शिवानी, शिवानी हाँ जी, हाँ जी, हर्षिता, देवांशी, सबको समझ में आ गई है पूरी वर्किंग? यस सर। निष्ठा आपको? हाँ जी। चलिए जल्दी से इसको कॉपी करिए, नोट डाउन करिए। लिख लिया बच्चों? सर थोड़ा अनक्लियर क्यों है बात वाला, एबनॉर्मल बट अनकंट्रोलेबल लिखा है, क्या है थोड़ा सा अनक्लियर है? हेलो, नॉर्मल बट अनकंट्रोलेबल है, ये वाला नॉर्मल बट अनकंट्रोलेबल है, ठीक है, और ये एबनॉर्मल है, ठीक है। शुभम आपको समझ में आ गया? जी सर। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर लेबर टर्नओवर करेंगे। पेज नंबर नेक्स्ट 148 पे आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 3.2। Analysis of the time card of a worker on a machine shows
that of the total 42 hours, he worked for 45 hours, including 4 hours ka overtime on production, and 3 hours was idle time. The rate of work is ₹1 per hour, but overtime is 50% extra. We are required to allocate the total wages paid to the worker between direct and indirect. पहले तो हम देखते हैं कि टोटल वेजेस हमने पे क्या किया उसको. देखो उसने 48 आवर्स काम किया, तो 48 को ₹1 के हिसाब से 48 तो ये दे दिया, प्लस उसने 4 घंटे ओवरटाइम किया और ओवरटाइम का रेट होता है 50% एक्स्ट्रा, तो ₹1 का 50% 50 पैसा हो गया. सर उसने 45 नहीं काम करा, 45 करा सर उसने. सर क्या कह रहे हो सर? 45 उसने प्रोडक्टिव आवर्स काम किए, ठीक है, लेकिन टोटल तो 48 आवर्स है ना, रीड करो ना. उसने काम किया जिसमें से 45 घंटे प्लस 3 घंटे तो आइडल था. इन 45 आवर्स में 4 घंटे का ओवरटाइम भी है, ठीक है, समझ आ गई बात? यस सर. समझ में आई ये बात? हां जी मोहित अनीश. यस सर. आ गई सर, पर उसमें 41 होना चाहिए ना फिर. हां तो सर एक बात ठीक है, ले लो 41, ले लो 41 प्लस 3 ले लेते हैं, 44 ले लेते हैं, ठीक है. यस. और 4 का फिर 1.5 कर दो. 1.5 क्यों करेंगे सर? ओवरटाइम वाले बंदे को, मान ले छोटू को तूने ओवरटाइम कराया, तो उसको एक्स्ट्रा देगा या बेसिक वेज नहीं देगा? नहीं बे, वो तो कह रहे ना कि 50% लेगा उसे बस. सर बेसिक वेज में तो दूंगा, 50% तो एक्स्ट्रा मिलेगा. अच्छा, तभी या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो. बोलो, अलग अलग कर दो, वैसे कर अलग अलग करना, ठीक है. तो 44 इंटू 1 एंड 4 इंटू 1.1, ठीक है जी, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6. बताइए ये समझ में आया? यस. ये जो डाउट अनीश ने पूछा था ये सबको समझ में आ गया? डाउट इसका रेलेवेंट था, बताइए सबको समझ में आ गई ये पॉइंट? हां जी. यस सर. ओके, अब देखते हैं इसका एनालिसिस कैसे करना है. तो अब 40 जो हमने ये 50 रुपीज दिए है, इसका ब्रेकअप देखते हैं हम. देखो आप 45 घंटे उसने एक्चुअली में काम किया, तो 45 तो उसका डायरेक्ट चार्जेस हो गए. डायरेक्ट चार्जेस कितना हो गया उसका? 45, ठीक है जी. और 45 घंटे में उसने कितने रुपए लिए हमसे? 1 रुपीज. 47 लिए ना सर? 47 थोड़ी ना सर, 40 आप, मैं लाइन पढ़ देता हूँ आपको. देखो an analysis of the time card shows of a worker shows on the machine that he worked for total 48 hours out of the that of the total 48 hours he worked for 45 hours on production and 3 hours were idle. ठीक है शुभम? हम्म. ये तो 45 direct charges हो गए. नहीं सर, वो मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि पहले जैसे आपने बोला था ना कि 3 आवर्स तो मतलब खाली है और 45 में 4 घंटे ओवरटाइम की भी इंक्लूडेड है. तो सर ओवरटाइम का मतलब क्या होता है? आप लोग ना थोड़ा शायद ओवरटाइम को गलत कंफ्यूज कर गए. ओवरटाइम में काम तो कर ही रहा है ना वो प्रोडक्शन का. यस सर. तो ओवरटाइम इज इनडायरेक्ट, मतलब ओवरटाइम के चार्जेस इनडायरेक्ट है, लेकिन ओवरटाइम पे जितना 4 घंटे उसने काम किया तब जो उसको बेसिक वेज मिली है 1 रुपीज की, तो वो तो डायरेक्ट चार्ज ही माना जाएगा ना. अच्छा ठीक ठीक है, समझ में आई ये बात सबको? जी सर. अब आइए इनडायरेक्ट. तो इनडायरेक्ट में दो तरीके के खर्चे हैं, एक ओवरटाइम और एक हमारा हो गया आइडल टाइम. तो जो ओवरटाइम है हमारा 4 इंटू कितना हो गया? 4 इंटू हमारा ओवरटाइम कितना है? 0.5, 2 रुपीज. और जो आइडल टाइम है हमारा 3 रुपीज, 3 आवर्स का ₹1 के हिसाब से, वो हमारा कितना हो गया? तो हमारा टोटल 50 रुपीज का. ये जो हमने 50 रुपीज दिए इसको हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चार्जेस में डिवाइड. बताइए बच्चों, इस चीज समझ में आई सबको?
प्लीज सार्थक समझ में आया? यस सर। ऋत्विक आपको? यस सर। चलिए किसी को डाउट नहीं है इसमें, अगर नहीं है तो जल्दी से कॉपी करिए इसको। शुभम आपको समझ में आया? हाँ जी सर। सर इसका कोई ऐसे फॉर्मेट वगैरह तो नहीं है ना कुछ भी? कोई फॉर्मेट नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। कैसे मैं बता रहा हूँ, इसमें कॉन्सेप्ट से ज्यादा मैथमेटिक्स लग रही है। यस सर। हो गया बच्चों? सर मैथ्स तो हमारी कमजोर है, छोड़े चैप्टर। मैथ्स तो तुम्हारी कमजोर है तो मैं हूँ ना बेटा, तुम्हारे को कराता रहा इतने अच्छे से। अभी आज मैं इसका वीडियो भी शेयर कर दूंगा तुम्हारे साथ। बिजनेस मैच भी करा दो फिर। बिजनेस मैच भी करा दो, बता कौन सा टॉपिक करना है? सारे टॉपिक ही नहीं बता। ठीक है बेटा, वही बात है ना, देखो उंगली दी पूरा हाथ ही खींच लेगा हमेशा। आप एक तो करा दो। चल मैं करा दू और बता लो, देख लिया बता लो। सर वो ही देख रहा था, आपकी क्लास आ गई। क्या क्या निष्ठा क्या कह रही है? लास्ट एपिसोड पर थी अभी। लास्ट एपिसोड पे थी? चलो मैं वही देख रहा था, आपकी क्लास आ गई। पता नहीं क्यों आ गए। मैं रह नहीं पाया। आप लोगों की लास्ट क्लास पता कब हुई थी? 24 अप्रैल में हुई थी। मैंने कहा बड़े दिन हो गया, क्यों याद कर रहे हो बुरे दिन आप? क्यों याद कर रहे हो बुरे दिन आप? नहीं यार, बुरे दिन मेरे लिए बड़े अच्छे दिन है यार। अब और कोई बताओ, पता नहीं लोग के बाद कोई और आ रही है? वैसे तो मेरे ख्याल से तो कोई और नहीं आ रही ना सीक्वेंस सीरीज। क्या आपको ऐसे खून खराबे वाली देखनी है? खून खराब वाली नहीं देखनी मेरे को, ऐसी लड़ाई बड़ाई वाली देखनी। मूड का खराब हुआ पता नहीं लोग में अच्छी तो थी। सर आप ओल्ड वाले जी पे देखा करो। नहीं कौन सी देखो? नहीं सर फूड पे देखो। असर लड़ाई झगड़ा होता उसमें भी। असर देख ली। ठीक है, एक वो रायकर केस, इलीगल। कौन सी? राइकर केस। राइट केस, राइकर केस। लाइक ये किस पे? वूट पे है ये? हाँ वूट पे। इलीगल। ठीक है वूट पे देखता हूँ। वूट की पे मैंने एक बार तो मैंने मेंबरशिप ले लिया, मेरे पास और नहीं है। अब शिवानी दो मेरे पास की मेंबरशिप पे। किसकी चाहिए सर? सर वूट की नहीं है, वूट पे नहीं चाहिए। वूट पे नहीं चाहिए मेंबरशिप। वूट पे मेंबरशिप नहीं चाहिए इसके लिए? नहीं इनके लिए नहीं चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। नहीं यार उस पे जियो पे नहीं चलता ना यार। चलो फोन पे देखता हूँ। हो गया बच्चों? लाइक एक बार क्या नाम बताया? लाइकर। सर मैं आपको भेज देती हूँ, मेरे पास लिंक भेज देना उसका। ठीक है चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग दीजिए। अकाउंटिंग फॉर लेबर टर्नओवर। अकाउंटिंग फॉर लेबर टर्नओवर, इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट मार्क करिए। सर इस टॉपिक के बाद बस आज के लिए बस हो जाएगा बेटा। 40 मिनट हो गए, चेंज कर लें। सर प्रीमियम वर्जन है ये मेरा, 40 मिनट हो गए। कितने आगे बार हुई है बच्चे आपके पास, आपने प्रीमियम भी ले लिया। बस यार तुम लोगों की इतनी कृपा है मेरे ऊपर, तो बस भगवान की बहुत अच्छी दया है, प्रीमियम वर्जन लिया मैंने। और आज ही लिया सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या नाम था टॉपिक का? ट्रीटमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर। बच्चों हर ऑर्गेनाइजेशन ये जानना चाहती है कि किस कितनी जल्दी उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज उसको छोड़ के जा रहे हैं, उसको बोला जाता है लेबर टर्नओवर। और जैसा नाम से ही पता चल रहा है, जितना कम होएगा उतना ही बेटर है। क्योंकि अगर हायर लेबर टर्नओवर है, रेट है, दैट मींस कि आपके एम्प्लॉइज बहुत जल्दी आपको छोड़ के जा रहे हैं। इट इज नॉट एन गुड इंडिकेशन फॉर अ कंपनी। तो लेबर टर्नओवर निकालने का हमारे पास तीन मेथड होते हैं। सेपरेशन रेट मेथड,
एडिशन मेथड एंड तीसरा है फ्लक्स सॉरी सेकंड प्लेसमेंट मेथड एंड तीसरा है फ्लक्स रेट मेथड. हमें तीनों से ही क्वेश्चन को करना है. जल्दी से आइए, पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा नोट्स लिखवाता हूँ और फिर दो तीन क्वेश्चन को खत्म करके आज की क्लास को माइंड अप करते हैं. जल्दी से आइए, इम्पोर्टेंट मार्क करिए प्लीज. अच्छा अगेन इसकी भी थ्योरी पार्ट इम्पोर्टेंट है. मैं आज तो रेलेवेंट नहीं, मैं रेलेवेंट ही लिखवाऊंगा सिर्फ फॉर्मुलास वगैरह. इसकी थ्योरी आपको बुक से पढ़नी है कि व्हाट आर द वेरियस कॉसेस ऑफ लेबर टर्नओवर, हाउ कैन वी अवॉइड लेबर टर्नओवर एक्सेट्रा. तो लिखना शुरू करिए, लेबर टर्नओवर is the rate of labor turnover is the rate of displacement. Labor turnover is the rate of displacement of the personal displacement of the personal employed in an organization. Employed in an organization due to labor turnover is the rate of displacement of the personnel employed in an organization due to resignation, comma, retirement or retrenchment. Full stop. If the rate of labor turnover is more, if the rate of labor turnover is more, it is a sign of instability of labor, and it adversely affects their efficiency as well as the profitability of the business. अब सब टॉपिक बनाइए. मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर नीचे लिखिए. लेबर टर्नओवर मे बी मेजर्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स. फर्स्ट मेथड लिखिए, सेपरेशन रेट मेथड. इसके नीचे ना फॉर्मूला शेप में लिखना, लेबर टर्नओवर रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेपरेशंस ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज लेबर ड्यूरिंग द पीरियड इनटू 100. ये परसेंटेज में होता है. सेकेंड मेथड लिखिए, रिप्लेसमेंट रेट मेथड. फॉर्मूला शेप में लिखिए, लेबर टर्नओवर रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट हो जाएगा ऊपर, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड. In 200. थर्ड लिखिए, फ्लक्स रेट मेथड. इसके दो फॉर्मूले लिखने हैं. पहला फॉर्मूला लिखिए, सी है. अच्छा बेटा बोलो,
फ्लक्स क्या क्लक्स क्या कह रहे हो आप? FLUX. ठीक है, इसके दो फॉर्मूले लिखने हैं. पहला लिखिए नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड इन 200. मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ये, नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड इन 200. और सेकेंड जो मेथड होता है उसमें हम नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स बाय 2 कर देते हैं. नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स बाय 2 ये न्यूमरेटर में आएगा, एंटायरली डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ लेबर ड्यूरिंग द पीरियड इन 200. समझ में आ गए तीनों फॉर्मुलेस? चलिए अब बच्चों देखो, मान लो कि ये 30 डेज का था हमारा जो पीरियड, में बार बार बोल रहा हूँ, मान लो 30 डेज का था, 40 डेज का था, 60 डेज का था, तो ये तो हमें पता चल गया कि 30 दिन में मान लो ये आया, लेट अस अज्यूम ये आया 10%, तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 दिन में मेरे लेबर का टर्नओवर रेट 10% है. बट अगर मैं जानना चाहता हूं इक्विवेलेंट एनुअल लेबर टर्नओवर रेट, इक्विवेलेंट एनुअल लेबर टर्नओवर रेट, तो मेरा क्या फॉर्मूला आएगा वो मैं बताने जा रहा हूं आपको. अब हेडिंग दीजिए कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट एनुअल लेबर टर्नओवर रेट. इक्विवेलेंट एनुअल लेबर टर्नओवर रेट, तो इसका लिखिए एक फॉर्मूला शेप में लिखिए, इक्विवेलेंट एनुअल लेबर टर्नओवर रेट इज इक्वल टू, बहुत तेज लिखवा रहे हो, क्या कह रहे हो? बहुत तेज लिखवा रहे हो. अच्छा हाँ कोई नहीं, आराम से लिखो. कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट क्या आगे? इक्विवेलेंट एनुअल लेबर टर्नओवर रेट. लिखना शुरू करिए फॉर्मूला शेप में, इक्विवेलेंट एनुअल लेबर टर्नओवर रेट इज इक्वल टू. टर्नओवर रेट जो भी आपका निकला जिस भी मेथड से, टर्नओवर रेट इनटू 365, टर्नओवर रेट इनटू 365 अपॉन नंबर ऑफ डेज इन द पीरियड. टर्नओवर रेट इनटू 365 अपॉन नंबर ऑफ डेज इन द पीरियड. बेटा इसको इन 200 बुक में लिखा हुआ है, हम इन 200 नहीं लिखेंगे. क्यों? क्योंकि अगर आप टर्नओवर रेट परसेंटेज में ले रहे हो तो ये भी आपका ऑटोमेटिकली परसेंटेज में ही आ जाएगा. शुभम समझ में आ गया सारा? हाँ जी सर. चलिए बच्चों पेज नंबर 150 पे आइए. पेज नंबर 150 पे आइए, एक बार इलस्ट्रेशन 3.3 करेंगे. बहुत ही सिंपल है, जल्दी से करना शुरू करें. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द पर्सोनल डिपार्टमेंट ऑफ अ फैक्ट्री फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2016. नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अप्रैल 1 950, नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अप्रैल 30 1050. तो इससे आपके एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स आ जाएंगे. नंबर ऑफ वर्कर्स हु क्विट द फैक्ट्री, मतलब जो निकाल के चले गए सेपरेशंस 10, नंबर ऑफ वर्कर्स हुआ डिस्चार्ज 30, तो ये दोनों मिला के नंबर ऑफ सेपरेशंस मानी जाएगी 40. ये बात समझ में आई? जो खुद छोड़ गए और जिनको हमने निकाल दिया 40. नंबर ऑफ वर्कर्स हुआ एंगेज्ड इन अप्रैल 140 है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग 120 ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंशन. तो मतलब हुआ क्या, 140 नए वर्कर को रखा है जिसमें से 120 तो नई पोस्ट बनने की वजह से आए हैं. इसका मतलब रिप्लेस कितने हुए? रिप्लेस सिर्फ 20 हुए. ये बात समझ में आई सबको? शुभम? हाँ जी सर. हर्षिता ये समझ में आ गई बात? यस सर. कैलकुलेट द लेबर टर्नओवर रेट एंड इक्विवेलेंट एनुअल रेट्स. तो आप तीनों मेथड से जल्दी से करके दिखाइए मेरे को. वत्सल समझ में आ रहा है?
हाँ सर ठीक, जल्दी से करिए इसको तीनों मेथड से। हो गया सर, इसमें जो फ्लक्स मेथड है उसका जो सेकंड फॉर्मूला है वो कैसे लगेगा सर? नंबर ऑफ सेपरेशंस और नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स निकाल लिया ना आपने, चलिए बच्चों हो गया। यस सर। मुस्कान आपका हो गया? यस सर। चलिए बच्चों अब ये तो सिंपल क्वेश्चन था, अब दो क्वेश्चन है जो जिसका टॉपिक भी फिनिश हो जाएगा, ये थोड़ा सा समझने वाले हैं। एक चीज और ध्यान में रखना बच्चों, ये फॉर्मूला में थोड़ा सा हमें मॉडिफिकेशन एज पर द रिक्वायरमेंट करनी पड़ सकती है, जैसे अभी इन दोनों क्वेश्चन में हमें करनी पड़ेगी, देखते तो जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन का आइए। इंपॉर्टेंट मार्क करिए 3.4 को, ये इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है। द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ वाई, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ वाई लिमिटेड हैज कंप्यूटेड लेबर टर्नओवर रेट्स फॉर द क्वार्टर एंडेड 31st March 2005 एज 10%, 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली अंडर फ्लक्स मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड एंड सेपरेशन मेथड। इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड क्वार्टर इज 30, find out the number of workers recruited and joined, workers left and discharged. तो देखो बच्चों, हमें तीनों की percentage दे रखी है और हमें replace वाला दे रखा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं replacement rate method से। Replacement rate method की percentage कितनी है? बताइए, replacement rate method से कितनी percentage है? 5%. 5% तो देखिए 5 और नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स कितनी है 30, ठीक है कि नहीं? तो हमारे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कितने आ जाएंगे? 600 कितना? 600 हाँ, ये इनटू हाँ, ये कितना हो गया 600। ये बात समझ में आ गई सबको? अब देखिए इसको लगाते हैं सेपरेशन रेट मेथड पे, तो यहीं पे मैं बना देता हूं सेपरेशन रेट मेथड। देखिए लेबर टर्नओवर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेपरेशंस अपॉन एवरेज लेबर इनटू 100। बच्चों क्या रेट है बताना जरा सेपरेशन वाले का? 3% नंबर ऑफ सेपरेशंस को एक्स ले लीजिए, एवरेज लेबर आपकी यहीं से चली गई तो कितना हो गया 18 हो गया। ये बात समझ में आई सबको? नहीं आई
बताइए बच्चों, इजी लगा? हाँ जी हो गया सर। देखिए बच्चों, इसका सेकंड पार्ट हो गया हमारे क्वेश्चन का, वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। देखिए मनन, अभी तक समझ में आ गया सारा? यस सर। अब देखो बेटा, रिप्लेसमेंट हमने दे रखी है 30, सेपरेशन हमने निकाल ली 18। तो सर हम फ्लक्स रेट मेथड निकाल लेते हैं ना, तो इन्होंने दूसरी चीज ही क्या मांगी है क्वेश्चन में, वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइंड। ये चीज अब आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। यहाँ देखिए, मैंने आपको बोला था हमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से करने पड़ेंगे। अब हम फ्लक्स रेट मेथड में मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं। फ्लक्स रेट मेथड में मॉडिफिकेशन क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस हम नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स की जगह लिखेंगे नंबर ऑफ एडिशंस अपॉन एवरेज इन 200। कितना दे रखा है लेबर टर्न ओवर रेट बताइए, 10%। सेपरेशंस हमारी 18 है, एडिशंस को एक्स ले लेते हैं, एवरेज कितनी है हमारी 600। बताइए बात समझ में आई सबको? Yes, ये हमने चेंज किया, ये बात समझ में आई हर्षदा? आपको बात समझ में आई है हर्षदा? Yes, sir. ये बात समझ में आई कि यहाँ पे हमने नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स की जगह नंबर ऑफ एडिशंस लिखा है? Yes, sir. मुस्कान आपको? Yes, sir. देवांशी? Yes, sir. जल्दी सर मेरे को बताइए नंबर ऑफ एडिशंस कितनी हुई? शुभम ये बात समझिए, प्लीज फोन बंद करिए। शुभम ये बात समझ में आई? हाँ जी सर। तो ये प्लीज जिसका भी माइक ऑन है प्लीज बंद करिए। ये चीज आपको थोड़ा सा, मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन के हिसाब से आपको थोड़ा सा फॉर्मूले को मॉडिफाई करना पड़ सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और क्लास को भी वाइंड अप करते हैं और टॉपिक को भी। 3.5 पे आइए जल्दी से, मैं रीड कर रहा हूं लेकिन अगेन आपसे आप करेंगे इंपॉर्टेंट मार्क करिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेबर फोर्स इन अ कंपनी ड्यूरिंग द ईयर was calculated as 13%, 8% and 5% under flux replacement and separation method. The number of workers separated are 40. You are required to calculate average number of workers replaced, number of new additions and number of workers at the beginning of the year. So, जल्दी से आप मेरे को करके दिखाइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा 5 मिनट्स के बाद। आप चार नहीं तो दो तीन पार्ट तो आराम से कर लेंगे, जल्दी से करिए। शुभम समझ में आ गया क्वेश्चन? हां जी सर। इसमें एक दो पार्ट है थोड़े से मुश्किल, पहले इनको करने दो फिर मैं करा। ठीक है सर, 5 मिनट्स दे दूंगा।
बच्चों आपका पहला सेपरेशन वाले फॉर्मूला लगा के आपने एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स निकाल लिए होंगे, यस और नो? यस सर। तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कितने आए हमारे? एट हंड्रेड आ गए। सबका हो गया फर्स्ट पार्ट? मोहित आपका हो गया? हो गया सर। मोहित Yes, sir, हो गया। Okay. Second part, इससे अब replacement वाला लग जाएगा formula, तो उससे number of replacements पता चल जाएगी। Yes or no? Yes, sir. निष्ठा? So, कर रही हूँ। जल्दी कर दी जल्दी। पहले तीन पार्ट तो बहुत ईजी है, जल्दी करके देखिए। जल्दी करिए बच्चे। फ्लक्स रेट लगा के नंबर ऑफ एडिशंस मिल जाएगी आपको। बच्चों पहले तीन पार्ट हो गए, मैं सबसे पूछूंगा एक एक करके। मुस्कान कितना हो गया? हो गए सर। तो फोर्थ भी हो गया? हाँ। हर्षिता आपके कितने हो गए? सर सारे हो गए। समझ आ गया फोर्थ पार्ट? यस सर। मोहित आपको, शिवानी आपको? हो गया सर। शिवानी सर हो गया, हो गया। निष्ठा? निष्ठा हाँ जी हो गए। हाँ जी। अनीश, भरत, सार्थक? हो गए सर। आयुष जी आया आज? मनन, वत्सल, ऋत्विक आ गए सर? हो गए सर। शुभम आपको सर फोर्थ पार्ट में क्या था? शुभम हमें निकालना था नंबर ऑफ वर्कर्स इन द एंड, तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ वर्कर्स इन द बिगनिंग, ठीक है? एवरेज नंबर फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज नंबर वर्कर्स का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। हाँ जी। तो ओपनिंग हमारे पास दे रखा है हमें, सॉरी ओपनिंग हमारे को नहीं दे रखा, हमने उसको निकालना है, ठीक है? तो ओपनिंग को एक्स ले लिया, तो क्लोजिंग क्या हो गया? एक्स प्लस एडिशंस माइनस सेपरेशंस, तो वो हमारे पास दोनों है ही। हाँ जी। डिवाइडेड बाय 2, ठीक है सर? ठीक है, तो इक्वेट हो जाएगा हमारे पास ओपनिंग के आ जाए, ठीक है? ठीक है सर। अब बच्चों आपको यहां तक समझ में आ गया सबको? ओके okay. अब मैं आप बच्चों देखो ऐसा है, मैं ना इस वीक क्लास रखना चाहता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीक आप भी फ्री हो फिर, तो मैं कल रख लूँ, लेकिन मैं कल 4 o'clock नहीं रख सकता, मैं मॉर्निंग में रख सकता हूँ 12 बजे रख ले। नहीं सर, कल रहने दो, कल टेस्ट है, कल 2 बजे और उससे पहले भी एक टेस्ट है। कल कल आपका टेस्ट है, और अनीश आपको क्या दिक्कत है? अच्छा दूसरी, हाँ दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास है, चलिए कोई नहीं, फिर फ्राइडे रख लेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो कल मैं फ्राइडे को आपका फ्राइडे को अगर मैं मॉर्निंग में रखना चाहूँ, अभी कंफर्म नहीं है, तो हो पाएगी? सो कल बताएंगे, कल बताएंगे। चलो भाई
ठीक है, बता दीजिएगा एक बार मेरे को कल, ठीक है बच्चों? यस सर। ओके बेटा, बाय बाय। बाय सर।